मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज एवं विश्व के प्रति शांति, स्वास्थ्य और सौहृदय के प्रचार के लिए कृत संकल्पित हूँ और मैं नियमित रूप से योग और प्राणायाम का अभ्यास करूँगा। चलिए ये संकल्प, आशा करूंगा कि संकल्प पर आप लोग खड़े उतरे। इसी के साथ शांति पाठ करते हैं और करते हैं समापन आज के कार्यक्रम का। किसी भी मुद्रा में आए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्या भवेत्। भारत माता की वंदे, करो योग रहो निरोग। शांति हरिओम। ऐसे जैसा कि आप सबको मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पूर्ण विश्व में बड़े सही ढंग से मनाया जाता है, जिसकी डेट तारीख 21 जून सोमवार की तय है। उसी उपलक्ष में हमने यहाँ 3 दिन के लिए लाडवा में, यानी 18, 19 और 20 की रहस्य का इंतजाम किया है, जिसको मैं खुद अपनी निगरानी में करवा रहा हूँ और जिसके गाइडलाइन दे रहे हैं मिस्टर कमल किशोर जी, योगाचार्य जी। जैसा कि मैंने आज देखा, जो यहाँ उपस्थित थे उन्होंने बड़े शौक से, बड़े दिल से अभ्यास किया है और मैं योगा के कुछ फायदे जो मैंने खुद महसूस किए हैं ज़िंदगी में, ये बताना चाहूँगा कि देखिए, हम जब भी अपनी होश संभालते हैं, हर इंसान किसी ना किसी तरह से धन के प्राप्ति के लिए शुरू हो जाता है, लेकिन आज तक किसी को ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि जो धन हम कमा रहे हैं वो परमानेंट धन नहीं है, टेम्परेरी है, हमारी मानसिक शांति को परेशान करता है ना कि उसको शांत करता है। मेरा कहने का अर्थ है कि हमारा असली धन जो हमारा शरीर है, उसकी तरफ आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बहुत दुख की बात है, 10-20% ही ऐसे, मैं दावे से कह सकता हूँ 10% ही लोग ऐसे होंगे जो सच है, जिन्होंने अपने शरीर को असली धन माना और योगा को अपने जीवन में ग्रहण किया है। अब आपके सामने प्रैक्टिकल देखिए, मिस्टर कमल किशोर जी बैठे हैं, इनके शरीर को देखो, इनके चेहरे के नूर को देखो। 4 दिन से लगातार इनके मैं साथ हूँ, इनके चेहरे पे कोई थकावट का नाम भी नहीं है, तनाव नहीं है। जो हम लोग अगर आधा घंटा भी काम करते हैं तो हम इरिटेट हो जाते हैं, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे 50 साल का बुजुर्ग हो।
तो मेरे लाडवा नगरवासियों से ये हाथ जोड़कर अपील है कि मेरे को इसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया हुआ डीसी साहब ने, एसडीएम साहब की कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए उपमंडल अधिकारी ने मेरे ऑर्डर किए हैं कि आप इसको अपने निगरानी में सही ढंग से आप योगा की अभ्यास करवाएंगे ताकि 21 जून को ये जो लाइव खबर चलेगी उसमें ऐसा ना हो कि हमें पूर्ण अभ्यास ना हो, कोई कुछ कर रहा हो, किसी का कुछ एक्शन जा रहा हो तो उस थोड़ा सा बुरा लगेगा। बाकी मैं ये अपील करूंगा नगरवासियों को कि कोविड-19 की वजह से प्रोटोकॉल को मेंटेन रखते हुए हम 50 लोगों को ही शामिल कर पाएंगे, लेकिन मेरा नगरवासियों से अनुरोध है कि आप 21 जून को अपने घरों में पूरी पोजीशन लेके आप 7 बजे राइट बैठेंगे और हम लोग 7:45 पे जो इसकी समाप्ति होगी, आप भी अपने घरों में अपनी सच्ची आत्मा से मेरी अपील को स्वीकार करते हुए अपने घरों में करेंगे, क्योंकि हम सब लोग को आमंत्रित नहीं कर सकते, कुछ प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना की वजह से हमने 50 लोग ही शामिल करने हैं। ये मेरा पुनः अनुरोध है कि आप योगा को अपने जीवन में अपनाएंगे, जो असली धन है उसको भूलकर आप जो बनावटी धन के पीछे मत भागिए, ये मेरा पुनः अनुरोध है। ओम शांति हरि।